गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुमन परियार आपके सामने आज नया वीडियो लेके आई हूँ। मैं आप बॉटनी का जो आप पहले जो अपलोड हुए हैं एलपी के, आपने थैलस स्ट्रक्चर, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर पढ़ा, हैबिटेट एंड जनरल करेक्टर पढ़ चुके हैं अपन लोग। इसके बाद में आज आप बात करेंगे रिप्रोडक्शन, एलगी में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। पहली बात तो रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन किसी भी चीज़ को रिप्रोड्यूस करना, अपनी संख्या में बढ़ना। तो प्लांट भी अपने जो हैं अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। एलगी में जो रिप्रोडक्शन है, एलगी किस तरह से रिप्रोड्यूस करती है, अपनी संख्या को किस तरह से बढ़ाती है, तीन तरह से एलगी में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो प्लांट के किसी भी पार्ट के अलग होने से, वो अलग हुआ पार्ट मरे नहीं और वो न्यू प्लांट बन के तैयार हो जाए, तो वो होता जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कि मान लो प्लांट की कोई, जैसे मैं हमारा हाथ कोई कट गया, तो हाथ कट गया तो हमारा नया हाथ जनरेट नहीं हो सकता, मर जाएगा। लेकिन प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट में ही ऐसा है कि वो प्लांट का पार्ट अलग हो गया तो वो अलग हुआ पार्ट एक नए प्लांट को जन्म दे देता है। तो प्लांट के पार्ट के द्वारा वो रिप्रोडक्शन, अगर नया प्लांट बन जाता है तो वो कहलाता है वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये होता है बाय स्पोर्स के द्वारा। डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं प्लांट में, वो स्पोर्स के द्वारा अगर स्पोर्ट जर्मिनेट होके नए प्लांट्स बहुत सारे बनाता है तो वो कहलाता है एसेक्सुअल। थर्ड नंबर का है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनते हैं और उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट से नया प्लांट डेवलप होता है और वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन यहाँ पर केवल बात करेंगे अपन केवल वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या बात करें बच्चों आज? वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो एलगी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कई प्रकार से पाया जाता है। नंबर वन बाय फ्यूजन, नंबर टू बाय फ्रेगमेंटेशन, नंबर थ्री बाय हॉर्मोबोन्स, नंबर फोर बाय फॉर्मेशन ऑफ एंडोजीनस ब्रांचिंग, नंबर फाइव बाय ट्यूबर एंड नंबर सिक्स बाय बडिंग। तो सबसे पहले अपन बच्चों बात करते हैं बाय फ्यूजन। फ्यूजन टाइप ऑफ वेजिटेबल रिप्रोडक्शन में क्या है कि ये जो है वो यूनिसेलुलर सेल्स से बने हुए जो एल्गी है, आपने बात करी जब आप थैलस स्ट्रक्चर बात कर रहे थे तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एल्गी थैलस होता है, तो जो फ्यूजन है वो यूनिसेलुलर सेल्स यूनिसेलुलर जो थैलस है उनमें ही पाया जाता है। जैसे कि एक सेल है और इस सेल्स में माइटोसिस से दो डॉटर सेल्स बन गई और ये दो डॉटर सेल्स बनने के बाद में ये इंडिपेंडेंट सर्वाइव करें, इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ साइकिल बना ले, दो प्लांट बनके तैयार हो, दो थैलस बनके तैयार हो जाए, तो ये कहलाता है बाय फ्यूजन। इसमें एग्जांपल है डायोटप एंड युग्लिना। दूसरे टाइप का जो बात करते हैं वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है कि जो एलगी के सिंपल टाइप के जो फिलामेंट हैं, थैलस हैं, उनमें वो पाया जाता है, जैसे कि आपके क्लेडोफोरा और या उडोगोनियम, ये स्पाइरोगायरा, जैसा काम फ्रेगमेंट मतलब छोटे टुकड़े। एलगी का जो थैलस है या फिलामेंट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर किसी वजह से टूट जाता है और हर टूटा हुआ हिस्सा मरे नहीं, खत्म नहीं हो, और वो हर टूटे हुए हिस्से से एक नया
प्लांट नया थैलस बन के तैयार हो जाए तो वो रिप्रोडक्शन कहलाता है बाय फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि ये फ्लामेंट है, तीन हिस्सों में बन गया, ये तीनों हिस्से टूटे नहीं और नए तीन प्लांट को बना दें। ऐसे ही ओसिलेटोरिया यहां से टूट गया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा, तो ये तीन इसके क्या बन गए फ्रेगमेंट, और ये तीनों फ्रेगमेंट टूट अलग होके नए थैलस का निर्माण करते हैं। तो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो जाएंगे, वन थैलस से, एक थैलस से तीन थैलस बनके तैयार हो गए, तीन फिलामेंट बनके तैयार हो गए बाय फ्रेगमेंटेशन। कहीं से भी टूट सकता है। अब बात करते हैं बाय हॉर्मोबोन्स। हॉर्मोबोन्स का टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है कि ये भी सिंपल टाइप के फिलामेंट जो थैलस के हैं उसी में पाया जाता है, पर इसमें अंत क्या है कि जो टूटता है, जो थैलस जहां से टूटेगा वो इंटरकैलरी सेल्स या कोई स्पेशल टाइप की जो सेल्स होगी थैलस या फिलामेंट वहीं से टूटेगा, ट्राइकोम वहीं से टूटेगा जहां पर कोई इंटरकैलरी सेल्स के डेथ एंड डिके हो जाए या कोई स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं वहां उसकी डेथ हो जाए, डिके हो जाए, उसके उसकी वजह से अगर थैलस टूटता है तो वो कहलाता है। उसके वजह से टूटने से जो पोर्शन बनता है टूटा हुआ हिस्सा वो फ्रेगमेंट ना कहला के क्या कहलाएगा, हॉर्मोबोन्स। और वो हॉर्मोबोन्स नए प्लांट को खत्म नहीं होगा, मरेगा नहीं और वो नए प्लांट को से उसको सर्वाइव कर जाएगा, उसमें कैपेसिटी होती है कि वो नया प्लांट को करेंगे। इसका एग्जांपल है नॉस्टो, नॉस्टॉक में स्पेशल टाइप ऑफ सेल हाइड्रोसिस पाई जाती है। और अब ये फिलामेंट, ये हेट्रोसिस्ट किसी वजह से डेथ हो जाए, डेथ लेकर ये सड़ कर जाए तो ये इसका खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये जो टूटे हुए हिस्से हैं ये फ्रेगमेंट नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये हॉर्मोबोन्स, क्या कहलाएंगे, ये हॉर्मोबोन्स। फ्रेगमेंट और हॉर्मोबोन्स पर डिफरेंस हो गया कि अगर फिलामेंट कहीं से भी टूट जाता है तो वो फ्रेगमेंट, हॉर्मोबोन्स अगर फिलामेंट किसी स्पेशल सेल्स के डेथ एंड डिके होने से वहां से अगर फिलामेंट टूटता है तो वो टूटा हुआ हिस्सा कहलाता है हॉर्मोबोन्स। फोर्थ नंबर पे आता है आपका फॉर्मल एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एडवेंटिशियस ब्रांचेस में कुछ जैसे जटिल जो कॉम्प्लेक्स जो फिलामेंट पाए जाते हैं एल्गी में, कॉम्प्लेक्स जो आपके वो थैलस पाए जाते हैं, उन थैलस में बहुत सारे ब्रांचिंग पाई जाती हैं और उन ब्रांचिंग के अलग हो जाने किसी वजह से वो ब्रांच अलग हो गई और वो अलग होने के बाद वो ब्रांचिंग मरे नहीं, खत्म नहीं हो और नए थैलस का निर्माण करे बन जाए वो कहलाते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचिंग के द्वारा। ये सब एडवेंटिशियस ब्रांचिंग है, साइड में निकली हुई है और इनके द्वारा अगर कोई थैलस स्ट्रक्चर बन जाता है तो वो है एडवेंटिशियस ब्रांचिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। इसके एग्जाम्पल है फाइकस एंड डिक्योटा। बाय ट्यूबर, ट्यूबर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में कारा में जो राइजोइड नीचे की तरफ जो बेसल जो सबसे निचले जो नोड्स पाए थे उसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं और राइजोइड्स में बहुत सारे
ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाती है, और वो ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बनने के बाद में ये स्ट्रक्चर अलग होके नए प्लांट को जर्मिनेट कर देती हैं, नया प्लांट को बना लेती हैं। तो इस तरह का ये ट्यूबर। कारा में ही बाय इसमें स्टार्च क्या इन जो ट्यूबर लेते हैं इसमें स्टार्च इकट्ठा हो जाता है, और स्टार्च इकट्ठे होने की वजह से ये मोटी हो जाता है ये पोर्शन। इसी तरह कारा में ही एमाइलम स्टार इसके जो नोडल एरिया में एमाइलम नामक स्टार्च इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि एक स्टार से तारा जैसी कोई स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाती है। ये एमाइलम एमाइलम स्टार्च के द्वारा रिप्रोडक्शन जो कि काय में पाया जाता है कारा के नोडल एरिया पे नोड पे। यहाँ पर एमाइलम स्टार्च इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो स्टार्च है वो एमाइलम स्टार्च इकट्ठा होने जाने की वजह से वो ट्यूबर लाइक इस तरह फूल जाता है, और ये गांठ जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो कारा का पूरा ये डेथ हो जाती है, पूरा प्लांट सूख जाता है थलस, और केवल ये नोडल एरिया इकट्ठा हो जाता है, फूला हुआ होता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जब इसमें से ब्रांचेस निकल के नए थलस निकल के निकल जाते हैं और रिप्रोड्यूस हो जाता है। लास्ट है बाय बडिंग। बडिंग में जो है कि किसी भी उसमें प्लांट में प्योरिफिकेशन होने से एक बड लाइक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाती है छोटी सी, और वो बड बाद में प्योरिफिकेशन हुआ उसमें अधिक मात्रा में हुआ, और वो बड धीमे धीमे साइड में बड़े होके वेसल्स बीच में बन लग गई, और बाद में इसका सेप्टर बन जाने की वजह से पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती है। पेरेंट प्लांट से अलग होने के बाद में नए थैलस को जर्मिनेट कर देगी, तो ये बाय रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। तो ये जो रिप्रोडक्शन तो पांचों छह प्रकार के हैं, बाय फिजन, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय एडवांटेजेस ब्रांचिंग, बाय ट्यूबर एंड बडिंग। ये सब प्रकार हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये प्लांट के ही पार्ट हैं जो कि विभिन्न तरह के अलग अलग तरह से किसी ना किसी वजह से अलग होके नए प्लांट के थैलस को जर्मिनेट नए थैलस को बना देते हैं और इसका रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फिजन में आपको बता दिया कि यूनिसेलुलर फिजन और फ्रेगमेंटेशन क्या अंतर है। जो फिजन है वो केवल यूनिसेलुलर जो थैलस है एलगी के उनमें ही पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर भी में पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन एंड हॉर्मोगोन्स में फ्रेगमेंटेशन कहीं से भी अगर फिलामेंट टूट जाता है तो वो फ्रेगमेंट कहलाता है। हॉर्मोगोन्स में अगर फिलामेंट वो स्पेशल सेल्स के डेथ एंड डिके के मेथड से जो टूटा हुआ हिस्सा होता है वो हॉर्मोगोन कहलाता है। एडवांसिंग ब्रांचिंग की प्लांट के किसी भी ब्रांच के किसी वजह से वो ब्रांच जो जिनमें ब्रांच फिलामेंट है जिनमें ब्रांचिंग पाई जाती है वो ब्रांच अलग हो जाती है और वो नए प्लांट को सर्वाइव नए प्लांट उससे डेवलप हो जाता है। ट्यूबर स्टार्च या फूड मटेरियल इकट्ठा होने की वजह से राइजोम या राइजोइड के अंदर फूला हुआ भाग बन जाती है, गांठ लाइक स्ट्रक्चर ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर उसके अलग होने से बन जाता हो जाता है। एंड बडिंग है वो प्योरिफिकेशन जो है इसमें प्योरिफिकेशन होने से वेसल्स और एक फूला हुआ हिस्सा बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो बड के सेप्टा से नीचे सेप्टा बन जाने की वजह से बड बनती है और बड प्लांट से अलग हो जाती है और नए थैलस को बना देती है। इस तरह से ये आप अपना बात हो गई है वेजिटेटिव। नेक्स्ट जो वीडियो में अपन बात करेंगे एसेक्सुअल। थैंक यू वेरी मच।